आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ही डीप साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से एकाग्रचित होकर के समझिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों किसी व्यक्ति का स्पर्म जल्द ही डिस्चार्ज हो जाता है। कई लोगों का यह शिकायत होता है कि मेरा तो बस ना दो ही मिनट में गिर जाता है, दो चार झटके में ही गिर जाता है, जिसे प्रीमेच्योर इजेकुलेशन बोलते हैं, हिंदी में इसे शीघ्र पतन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या यह एक बीमारी है? क्या यह एक समस्या है? क्या इसका इलाज है कुछ? आइए इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से समझते हैं। देखिए, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, या कहें तो सीधे साधे लैंग्वेज में कि जल्दी गिर जाना, कोई बीमारी नहीं है। 90% केसेज में, 90% केस में यह बीमारी नहीं है। मात्र 10% ऐसे केसेज हैं जिनमें बीमारी यह मानी जाती है, पर 100 में से 90 ऐसे लोग होते हैं जिनका जल्द गिर जाता है, दो मिनट में, चार झटके में, पांच झटके में, 10 झटके में, टच करते ही। तो इसका मतलब आप किसी बीमारी से ग्रसित ना होकर के आप अपने बॉडी को एक रॉन्ग पैटर्न में सेक्सुअल प्ले करने के लिए बाध्य कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपको जल्द स्खलित होने का शरीर को लत लग गया है। और यह लत लगा कैसे है, जरा ध्यान से समझिए। जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल प्ले करता है तो सबसे प्रारंभिक स्टेज में क्या होता है कि इलीगली करता है, गैर वैधानिक तरीके से करता है वो, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में कहीं छुप करके। तो जब ऐसी परिस्थिति में लोग सेक्सुअल प्ले करता है ना, तो बहुत जल्दबाजी में होता है। तो इस जल्दबाजी की वजह से वो बस जाता है 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय मिलता है, क्योंकि वह इलीगल तरीके से कर रहा है, पकड़े जाने का भय है, समय अभाव है, क्योंकि बड़े मुश्किल से समय मिला है मिलने का। तो काफी जल्दी में होता है व्यक्ति, और इस जल्दी में होने के चक्कर में ना वो जल्दी जल्दी करना शुरू करता है, और इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में शरीर आपका, आपका माइंड और बॉडी दोनों लर्न कर लेता है कि यह प्रक्रिया मुझे जल्दी जल्दी ही करना है। और शरीर यह लर्न कर लेता है तो शरीर को यह हैबिट लग जाता है, यह आदत लग जाता है कि जैसे ही एक फीमेल की वजाइना में अपना पेनिस इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, क्यों ही स्पर्म डिस्चार्ज होने के लिए सक्रिय हो जाता है। तो यह एक रॉन्ग हैबिट है जो आपने अपने बॉडी को लगा दिया है, गलत पैटर्न में, गलत तौर तरीके से सेक्स को करके। तो अब क्लियर हो गया कि 90% केस में यह बीमारी नहीं है, यह एक हैबिट है जो आप जल्दबाजी में सेक्स करके या गलत पैटर्न या गलत तरीके में सेक्स करके अपने बॉडी को लगाया है। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, मैं 90% केसेस की बात कर रहा हूँ, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह मेडिकल क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट संभव है। लेकिन साइकोलॉजिकली मैं 90% लोगों के बारे में कह सकता हूँ कि हाँ, इसका इलाज संभव है। अब कैसे संभव है? कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत नहीं है। अपना थोड़ा करने का, सेक्स करने का, इंटरकोर्स करने का पैटर्न बदले, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि आप रॉन्ग पैटर्न में, रॉन्ग वे में सेक्सुअल प्ले कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप आपका स्पर्म जल्दी स्खलित हो जाता है, आपका वीर्य जल्द ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए? तो जिस भी व्यक्ति का प्रीमेच्योर इजेकुलेशन है, शीघ्र पतन है, जल्द गिर जाता है, जल्द झड़ जाता है, जल्द चू जाता है, कोई भी वर्ड नाम दे दें आप आम बोलचाल की भाषा में, तो उसे करना क्या है कि जैसे ही फीमेल के करीब जाएं, सेक्सुअली प्ले करने का कोशिश करें, तो अपने माइंड और बॉडी को सजेस्ट करें कि बिल्कुल रिलैक्स वे में हमें प्ले करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो पहले फोर प्ले करें और बिल्कुल आराम से। लेकिन नॉर्मल हैबिट क्या होता है ना व्यक्ति को, कि जैसे ही फीमेल के पास जाता है या अपनी वाइफ के पास, अपनी गर्लफ्रेंड के पास या किसी और के पास जो उसकी फीमेल पार्टनर है, क्यों ही आदमी के अंदर से ना उबाल आने लगता है, आदमी अंदर से उबलने लगता है, और उबलने के दौरान व्यक्ति के अंदर एक मोटिव आता है कि कब डाल दें और कब हल्के हो जाएं, और इसी डाल करके हल्के होने के चक्कर में ना आप शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हैं, यानी कि आपके शरीर को शीघ्र पतन की लत लग जाती है।
तो आप उबल रहा है, शरीर उबल रहा है, आप धैर्य रखें, माइंड को सजेस्ट करें आराम आराम से धीरे धीरे आनंद लेते हुए प्ले करना है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान, मैं फिर दोहरा दूं इस सेंटेंस को, कि सेक्स को एक छींक की भांति यूज करता है, और जिनको शीघ्र पतन की समस्या होती है ना, वो सेक्स को एक छींक की भांति लेते हैं कि अंदर से एक सेंसेशन से, एक संवेदना से भर गए हैं और उसे बाहर एक झटके में उलीचना चाहते हैं। तो ऐसे एटीट्यूड वाले, ऐसे हैबिट वाले व्यक्ति जो सेक्स को एक छींक की तरह यूज करते हैं कि संवेदना से भर गए और एक झटके में उसे उलीचना है, वैसे व्यक्ति को शीघ्र पतन का शिकार हो जाना बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। तो आप फीमेल पार्टनर के पास जाएं, नॉर्मली बहुत ही इजी वे में सॉफ्टली फोर प्ले करें, और जब इंटरकोर्स करने की बारी आए ना, तो देखिए इसके रूल्स है कि आपके जो बॉडी को रॉन्ग हैबिट लग चुका है, गलत आदत लग चुका है, और वो गलत आदत है शीघ्र पतन की, उसको आप रोकने के लिए जब भी इंटरकोर्स करें तो 3 झटके लगाएं और पुनः वजाइना में अपने पेनिस को रखते हुए बगैर कोई झटके लगाए फीमेल से बात करें, फीमेल पार्टनर से बातें करें, यानी कि झटके लगाना रोक दें। फिर कुछ सेकंड बाद, कुछ सेकंड का मतलब 50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, एबव 1 मिनट, 1 मिनट से ऊपर भी, फिर आप 3 से 6 झटके लगाएं, फिर आप पुनः रुक जाएं। तो जब इस क्रम में आप करेंगे ना 10 मिनट 15 मिनट, तो आपका जो बॉडी है वो एडॉप्टेशन अपना लेगा, एडॉप्ट करने लगेगा, शीघ्र पतन को रोकने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी द्वारा अपने बॉडी को वो अलाउ कर रहे हैं कि तुम जो स्पर्म है उसको अपने अंदर धारण किए रहो, अपने अंदर एडॉप्ट करके रखो, उसे बाहर एक झटके में छींक की भांति उलीचो मत। तो आपका बॉडी इसे लर्न करेगा कि हमारा जो ऑनर है वो चाहता क्या है, क्योंकि आप 3 झटके 6 झटके लगा रहे हैं और पुनः रुक जा रहे हैं। और यह प्रक्रिया आप 10 से 15 मिनट तक करिएगा तो आपके बॉडी में एडॉप्टेशन की हैबिट आ जाएगी, समायोजन की क्षमता आएगी, और इस समायोजन की क्षमता के फल स्वरूप आपका बॉडी स्पर्म को इंजेकुलेट नहीं करेगा, बाहर नहीं गिराएगा। लेकिन आपको समय देना होगा बॉडी को एडॉप्ट करने के लिए कि झटके कम कम अंतराल में लगानी है और एक निश्चित अंतराल तक झटके लगाना बंद करनी है। उस वक्त आप फोर प्ले कर सकते हैं, फीमेल के बुब्स से खेल सकते हैं, उसके होठों से खेल सकते हैं, कुछ गर्मा गर्म बातें कर सकते हैं, लेकिन झटका न लगाएं। फिर आप अपने पेनिस को वजाइना में इंसर्ट करें या वजाइना में ही रखें तो पुनः झटके लगाएं। तो इस क्रम में जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी इस चीज को एडॉप्ट कर लेगी, आपकी बॉडी समायोजित हो जाएगी, आपकी बॉडी स्पर्म को अपने अंदर धारण करने की टेंडेंसी डेवलप कर लेगी। यकीन ना हो तो आज से यह प्रक्रिया करके देखिए जो मैंने बताई। पहला प्रक्रिया, आपने माइंड और बॉडी को सजेशन देना है बिल्कुल रिलैक्स मोड में, एक छींक की तरह कभी सेक्स को यूज ना करें। छींक क्या है कि अंदर से एक सेंसेशन आया और एक झटके में उलीच देते हैं, छींक करके बाहर निकालते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। सेक्स को छींक की तरह ना ले, सेक्स को बहुत ही प्लेजरफुल पीसफुल प्ले की तरह ले। साथ में इंटरकोर्स करने के बाद झटके लगाना कंटिन्यू ना शुरू करें, बॉडी को एडॉप्टेशन की एबिलिटी डेवलप करने दे, बॉडी को एडॉप्ट करने दे, बॉडी को स्पर्म को धारण करने दे, और अपनी बॉडी को एक निश्चित अंतराल तक झटके दे, पुनः रुक जाए लगातार नहीं। तो आप पाएंगे कि 10 से 15 मिनट तक ये करेंगे ना, तो आप लगातार भी 1 मिनट तक झटके लगाएंगे तो पाएंगे कि आपका स्पर्म डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी आपका ये चीजें लर्न कर लिया, यानी कि गुड पैटर्न, सेक्स करने का गुड पैटर्न सीख लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आपको शीघ्र पतन रुक जाता है। आशा करता हूँ मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।